फ्रेंड्स, तो आज हम कोक ब्रांड के प्राइस बताने वाले हैं। चलो दिखाते हैं जल्दी से। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आप आ सकते हो। व्हाट्सएप पे कॉलिंग डील नहीं की जाएगी, आगे परचेज कर सकते हो। ठीक है, होलसेल रेट और जो रिटेल रेट है वो अलग रहेंगे, मैं आपको रिटेल रेट बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करते हैं। आज ये वाले क्रैकर्स के प्राइस बताने वाला हूँ। देखो ये सारे क्रैकर्स ही है, ठीक है, तो इनके प्राइस दिखाने वाला हूँ। अब लेस आपको कितने मिलते हैं कोक ब्रांड के ऊपर, वो आप अपने आप हिसाब कर लेना कि आपको 30 मिलती है, 50 मिल रही है, 60 मिल रही है, 70 मिल रही है। ठीक है, तो हिसाब लगा लेना। तो ये देखो स्पार्कल्स, स्पार्कल से स्टार्ट करते हैं अपना। ये बड़े वाली स्पार्कल है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर वाली। इसका MRP 187 रुपये है, ठीक है। तो ये वैसे तो डब्बी 100 रुपये की, 120 रुपये की मिलती है, पर अगर आप कोक ब्रांड का ही अकेला माल ले रहे हो तो सारा माल लेके उसके बाद वो 50% या 30% लेस मिल जाता है, या 60% भी कीजिएगा मिल जाता है, तो अलग अलग प्राइस रहता है। ये दोनों स्पार्कल सेम है। इसकी MRP भी क्या है, इसकी MRP क्या है, 187 रुपये। ये चेक कर सकते हो, इनका सेम है 173। ये चेक कर सकते हो, ये नॉर्मल वाली स्पार्कल है, वो ग्रीन वाली स्पार्कल है, ठीक है, फ़र्क रहता है। ये रेड वाली स्पार्कल आ गई, ठीक है। इसका MRP कितना है मैं दिखा देता हूँ, कोक ब्रांड का 234 रुपये। बल्कि ये महंगी है, रेड के साथ चिड़चिड़ भी करेगी ना ये, ऐसे वाली। इसका MRP हैगा 173 रुपये, ठीक है। ये दूसरे वाली स्पार्कल है, ये देखो, ये सिंपल वाली स्पार्कल, साइज छोटा आ गया, ठीक है। इसमें ये आ गई रेड वाली स्पार्कल, साइज छोटा, और इसका MRP देखें, रेड वाली थोड़ी महंगी मिलती है, 184 रुपये, ठीक है। प्राइस देख लेना, बीच में प्राइस इधर उधर बोले जाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाली स्पार्कल आ गई, जो बड़े वाली स्पार्कल थी, छोटे वाली है 158 रुपये, ठीक है, 158, ठीक है। उसके बाद बुलेट बम्प आ गया, बुलेट बम्प का MRP कहाँ पे है, ये पूरे यूनिट का हैगा 1400, ठीक है। तो एक डब्बे का 140 रुपये, ठीक है, तो 14 को 50% लेस करके देख लो, ये पूरी यूनिट इतने पे की। ये मिनी बुलेट आ गया कोक ब्रांड का, ठीक है। ये चेक करते हैं पूरी यूनिट का रेट हैगा इसका, ढंग से दिख नहीं रहा, दूसरा बॉक्स उठा के दिखा सकता हूँ। इसको यहाँ रखो, दूसरी यूनिट उठाओ। इसका आएगा 1020 रुपये, फिट में लगभग 500 रुपये का ये पूरा यूनिट आएगा। तो एक डब्बा कितने का पड़ेगा हमें, 50 रुपये का, 102 रुपये इसका रेट है, 50% लेस के हिसाब से ये 50 रुपये का एक पड़ा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारी ये टॉर्च छोटे वाली कोक ब्रांड की। इसका MRP क्या है, यूनिट का, यूनिट का 1375 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि ये आपको 275 रुपये MRP है, 50% लेस कर लो, कितना बनता है उतना आपको ये मिलेगा। ये बड़ी बड़ी टॉर्च आ जाती है, बड़े बड़ी टॉर्च का MRP ये रहा, यूनिट का 2120 रुपये है, तो 50% लेस लगा लो, ठीक है, क्योंकि तो वही 120 रुपये। इसका एक का कितना का प्राइस है, एक का MRP इसका यहीं कहीं होगा, ये रहा इसका एक का MRP क्या, 420 रुपये, ये 120 रुपये के आसपास है, 220 रुपये की ये एक पड़ेगी, ठीक है। ये भी साइरन है, ठीक है, ये साइरन वाली आ गई अपनी पेंसिल, ठीक है, जिसको टॉर्च भी बोलते हैं। पूरी यूनिट का रेट हैगा यार 3300 रुपये, ठीक है। तो इसके बॉक्स का MRP क्या है, इसका MRP हैगा यार 330 रुपये, एक बॉक्स का MRP है, 50% लेस के हिसाब से देख लो कितना बनता है, 170-180 रुपये के हिसाब से आपको ये एक पड़ेगा। अब आ जाते हैं 45 cm की चक्री, 45 cm की चक्री आपको पड़ेगी कुछ 358 रुपये रेट है, 50% लेस करो कितना बनता है उसके हिसाब से आप देख सकते हो, बल्कि 180 रुपये के आसपास ये आपको पड़ेगी, ठीक है। ये फाइनल है कि 70 cm, ठीक है, 70 cm की न्यू प्राइस मैं आपको बता देता हूँ क्या है, न्यू प्राइस हैगा इसका पूरे बॉक्स का 3025 रुपये, पूरी यूनिट का 5 डब्बों का, ठीक है। एक का हैगा 605 रुपये MRP, जो इसकी पुरानी यूनिट देखोगे उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, 200 रुपये ऊपर नीचे, बल्कि वो 400 कुछ रुपये की थी, ठीक है। तो इसको हिसाब लगा सकते हो, सर 300 रुपये का डब्बा पड़ेगा ये एक आपको डब्बा 300 रुपये का। तो उसके बाद आते आगे, ये भी 70 cm है, ये अगर सबसे फेवरेट कोक ब्रांड का सबसे बेस्ट अनार देखा जाए तो ना ये है रंग बरात। ये मिलता है आपको, दो अनार होते हैं पूरे बॉक्स में, सिर्फ दो ही अनार है, बड़े बड़े अनार, पर ये 15 फुट तक फ्लावर बनाता है। ये इसकी जो ऐसे वाली हाइट रहती है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहती है, 15 फुट तक जाती है, मतलब कि डबल मंजिली जितनी ये जाती है, और मैंने ये टेस्ट भी किया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। इसका MRP की बात करता हूँ तो इसकी जो MRP है वो 1220 है, मतलब कि लगभग आपको जो 600 रुपये का एक बॉक्स मिलता है, और एक अनार आपको 300 रुपये का मिलता है, 300 रुपये का अनार है, पर ये बढ़िया है, चला के मज़ा आ जाता है। उसके बाद आता है कोक ब्रांड का साइरन छोटे वाला, साइरन अनार, ठीक है, साइरन अनार आ जाता है कोक ब्रांड का छोटे वाला, ठीक है। कुछ ऐसा देखने को होता है, इसका MRP रहेगा
545 रुपये रहेगा, 50% लेस हो गया, ये आपको 270 या 80 रुपये के आसपास पड़ता है। ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, अब बड़े वाला सायरन आ जाते हैं कोक ब्रांड का। ठीक है, बिग सायरन। ठीक है, और इसका रेट है 875 रुपये, मतलब कि ये 460 रुपये के आसपास पड़ेगा, या 400, मतलब कि 450-450 के बीच में ये पड़ेगा। 50% लेस मार सकते हो आप। ठीक है, पर सारी सबको 50% लेस नहीं मिलता। मैं आपको बता दूँ कि सबको 50% लेस नहीं मिलता। कई कहते हैं कि मुझे 70 मिल रहा है, 65 मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। कईयों को लेस मिलता है दिवाली के पास जाके, कि 15% देते हैं, कि 25% देते हैं, कि 35% देते हैं। 50% आपको पहले मिलेगा और गोदाम में मिलेगा, जिसके पास ज़्यादा माल है। जैसे सो मैं इसकी 10-10, 20-20 पेटियाँ स्टार लेता हूँ, फिर मैं 50% लेस पे इसलिए दूंगा कि मेरा माल ख़त्म हो जाए, मेरे पैसे हर हो जाए इसलिए। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद चलते हैं अनार, छोटे वाला अनार आ गया। ठीक है, ओनली कोक ब्रांड का है। ठीक है, इसका जो MRP रहेगा वो है 578 रुपये, लग रहा 580 रुपये है। ठीक है, तो ये भी आपको 270-280 रुपये के आसपास पड़ेगा। 50% लेस कर लो, 250 और ये इसको डिवाइड कर लो। ठीक है ना, 280 रुपये के आसपास पड़ेगा ये अनार। ठीक है, फ्लावर पॉट कहते हैं, ये दोनों सेम ही है, ये और ये सेम ही है। ठीक है, उसके बाद बड़े वाला लगा लेते हैं। इसका MRP क्या रहता है हम देख लेते हैं। इसका MRP है लगभग 800 ही लगा लो, 490 रुपये के आसपास पड़ेगा ये आपको, नहीं 400 के तो 390 रुपये के आसपास। ठीक है, मतलब लगभग 400 ही पड़ेगा, ये सेम है। ये मेरी फेवरेट आ गई। ठीक है, और ये विस्लिंग भी आ जाती है, अपन स्काई विस्लिंग, और ये इतनी बेस्ट लगती है, और ये हार्मफुल नहीं होता आपको, आप इसको कहीं पे भी चलाओ, ये हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका MRP क्या है, 509 रुपये, 509 का हाफ करो, 250 रुपये का ये एक बॉक्स पड़ता है। ठीक है, 50% लेस मिलता है। जैसे मैं लेता हूँ तो मुझे 50% लेस मिलता है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं मारता। हाँ, दिल्ली में जो कहते हैं ना 70% मिल जाता है, वो कई चीज़ों पे 70 होता है, और कई चीज़ों पे वो 70 से कम देते, लगभग वही पे आता है। ये कोक ब्रांड की आ जाती है सायरन वाली, मतलब कि रॉकेट आ जाती है। ठीक है, पर मुझे ये इतनी खास नहीं लगती, पर ये शौक करके चलती है। इसकी भी टेस्टिंग मैंने की हुई है। इसका MRP है 629 रुपये। ठीक है, मतलब कि इसका और इसका कंपैरिजन किया है तो मुझे ज़्यादा बढ़िया यही लगती है। दोनों को आप टेस्ट करके देख सकते हो, ये सारी यही है। ठीक है, तो उसके बाद ये आ जाते हैं। ये क्रैकलिंग की तरह चलता है, ये काफ़ी देर चलते हैं, काफ़ी बढ़िया रहता है। 12 स्काई शॉट है इसमें। ठीक है, तो इसका MRP कितना है? इसका MRP है 633 रुपये। 633 का हाफ करो कितना, 320 रुपये के आसपास। ये दोनों सेम है। ये 15 वाला, ये महंगा मिलेगा, ये मिलेगा 688 रुपये का। इसमें 15 है, इसमें 12 है कि दोनों सेम ही है। तो इसमें आ जाते हैं नॉर्मल स्काई शॉट 12 वाले। ठीक है, जो ऊपर आ गया एक पटक्का मार गया पट्ट दनी, ये आ गया लगभग 800 रुपये का, 2 रुपये कम। ठीक है, 400 रुपये का ये मिलने वाला है 12 स्काई शॉट। ठीक है, अब देखो 400 रुपये का ये 12 स्काई शॉट है, और आपको 60 स्काई शॉट भी मिल जाता है इस रेंज में आसपास, मतलब कि 30 स्काई शॉट। ठीक है, अब आ जाते हैं कोक ब्रांड का ये वाला स्काई शॉट, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें रेड वाले कोक के कम ही चलते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ 18-15 रहता है इसका प्राइस। ठीक है, और 50% लेस मारो कितना बनता है, 900 रुपये का सिर्फ 20 शॉट। ठीक है, कभी मैंने इसको टेस्ट किया नहीं, करके देखेंगे ये टेस्टिंग में कैसा रहता है, कमेंट करके बताना कि आप चाहते हो। और J30 आ गया, जो 30 का प्राइस क्या है, इसका MRP हैगा यार 1870, मतलब कि ये महंगा है, ये 20 शॉट है, ये 30 शॉट है, मतलब कि वो रेड थोड़ा महंगा ही मिलता है। 1870 इसका लेस मार लो, 900 रुपये की ये पेटी बड़ी, मतलब 900 रुपये की ये 30 शॉट की। ठीक है, और 30 शॉट की आपको 750-800 रुपये की 60 भी मिलता है, पता है। अब आ गया फाइनली 60 ये है 3355 का। ठीक है, हाफ़ करते हैं तो कितना आता है, 1660-1670 रुपये के आसपास ये आपको मिलता है कोक ब्रांड का। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड चक्कर आ जाते हैं छोटे वाले, ये वाले। ठीक है, कोक ब्रांड का। ठीक है, इसका MRP क्या, 358 रुपये, 350 लगा लो, चलो इसको हाफ मारो कितना आ गया, 200 रुपये के आसपास ये पड़ेगा, 180 रुपये के आसपास पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, इसमें 10 निकलते हैं स्काई शॉट की तरह, 10 स्काई शॉट होते हैं अलग अलग कलर के। ठीक है, जैसे पेंटा स्काई रहता है ना ऐसी। ठीक है, तो आई थिंक पीकॉक शर्ट, इसका MRP कहाँ है, कोई मिल गया 1000, मतलब कि 500 रुपये का ये आपको पड़ता है। ठीक है, तो ये रही लूनिक, अपनी लूनिक जो ग्रीन स्टार छोड़ती है, इसका MRP क्या है मैं बता देता हूँ। और ये भी स्लिंग वाला है, लूनिक का MRP कहाँ है, ये बॉक्स नेव 500-600 रुपये लगभग है, 300 रुपये का एक पड़ता है, नए वाले बॉक्स उधर पड़े हुए हैं लूनिक के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे छोटे 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 प्राइस जो कोक ब्रांड के थे, क्रैकर्स मेन जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।
हैप्पी दोली एडवांस में। बाकी आप करैक्टर्स का पसंद कर सकते हो। कोक ब्रांड में आपका सबसे फेवरेट करैक्टर्स कौन सा है मुझे बताना। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एक ये है, ठीक है, और रंग बरात है, ठीक है। सायरन में एक इसकी चक्री आती है, ग्राउंड चक्कर आती है, जिसकी कल मैंने टेस्टिंग की थी, वो मेरा फेवरेट, ठीक है। तो बस आज मिलते हैं आपके, बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कॉल पे डील नहीं किया जाएगा और आपको व्हाट्सअप पे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर परचेज करें तो आपको लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस वीडियो में नहीं है, कई और वीडियो देखो, सब में आपको मिलेगी इसी के लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।